हमीरपुर सर्किट हाउस में केंद्रीय सूचना प्रसारण खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों की समस्याएं सुनी और कुछ देर तक कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और जिस देश ने 200 साल भारत में राज किया है उसको पीछे छोड़कर भारत ने अर्थव्यवस्था में पांचवा स्थान पाया है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अंग्रेज चले गए हैं लेकिन उनकी मानसिकता कांग्रेस के साथ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पर बांटने का काम किया है और जब सत्ता से दूर हुए हैं तो परिवार और पार्टी का अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की हर राज्य में सफाई होना शुरू हो गई है। अब राहुल गांधी को अपना अस्तित्व बचाने के लिए विदेशों में समय ज्यादा बिताते हैं, वहीं भाजपा में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल है। आगे सुनिए और क्या कुछ कहना था केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। भारतीय जनता पार्टी है जहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत है। जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया उसको पीछे छोड़कर पांचवा स्थान भारत ने दुनिया की अर्थव्यवस्था में पाया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोविड के समय के लिए गए निर्णय, चाहे वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हो, आत्मनिर्भर सोच को आगे बढ़ाने की बात हो, भारत से एक्सपोर्ट रिकॉर्ड करने की बात हो, यहाँ पर पूंजी निवेश रिकॉर्ड आने की बात हो, यहाँ पर लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम हो, वैक्सीन बनाने का और 200 करोड़ से ज़्यादा लगाने का काम हो, 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का काम हो, ये सब किया तो मोदी सरकार के समय हुआ और अर्थव्यवस्था भी ना केवल पटरी पर आई बल्कि तेजी के साथ आगे बढ़ी। GST कलेक्शन भी लगातार 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़ी, कभी 1,63,000 करोड़, कभी 1,34,00,000, तो अब 1,44,000 करोड़ भी। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी सरकार के निर्णयों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई है और दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ी हुई। अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी मानसिकता कांग्रेस के साथ रही, बांटो और राज करो, चाहे जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर हो बांटने का काम किया और जब सत्ता से दूर हुए जनता ने नकारा, गरीबी हटाओ का नारा देते थे लेकिन गरीब मिट गया, गरीबी नहीं इनके यहाँ पर हटती थी। अब वही परिवार और पार्टी अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रहे, परिवार का भी और पार्टी का भी। एक से दूसरे राज्य में कांग्रेस की सफाई होती चले गई, कांग्रेस कार्यकर्ता उस परिवार से दुखी होने शुरू हो गए। अब जब उनको अपना अस्तित्व बचाने का समय आया है तब विदेशों का टूर करके आते हैं, टूरिस्ट के नाते यहाँ पर आते हैं और आकर चले जाते हैं, यहाँ पर समय कम बाहर समय ज़्यादा बिताते हैं, आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह का रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।